हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज से। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड एंड हमारे चैप्टर का नेम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली अब तक की वीडियोस में फ्रेंड्स हमने डिस्कस करा सोल प्रोप्रेटरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है और हमारी कॉपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है। सो अब हमारा टॉपिक है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिन्हें हम कहते हैं कंपनी क्या होती है। बेसिकली कंपनी का पहले मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जहां पे क्या है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कुछ लोग होंगे उनके एसोसिएशन होगी, वो लोग मिलेंगे कुछ बिजनेस करने के लिए। कोई कंपनी क्या है, कोई बिजनेस करेगी और लीगल स्टेटस, और वो लीगल काम करेगी, लीगल उनका एक स्टेटस होगा, उसे हम क्या कहते हैं कंपनी। सो कंपनी के लिए क्या क्या जरूरी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बिजनेस और लीगल स्टेटस, तो इन्हें हम कहते हैं कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गवर्न बाय। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी जैसे कॉपरेटिव सोसाइटी है, पार्टनरशिप है, उसको कोई एक्ट गवर्न करता है। ऐसी कंपनीज को जो एक्ट गवर्न करता है, कंपनीज एक्ट 1956 गवर्न करता था पहले, बट अब ये एक्ट चेंज हो गया है कंपनीज एक्ट 2013। सो बहुत सारी अमेंडमेंट्स आती रहती है बीच बीच में, जो एक्ट है बट एक्ट हमारा 1956 था, उसके बाद चेंज हुआ है 2013। तो हर कंपनी को ये एक्ट फॉलो करना जरूरी है, कंपनीज एक्ट 2013 जो भी हमारा नया एक्ट है। अब हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसे हम कंपनी कहते हैं, इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्या है, ये कोई ह्यूमन बींग नहीं है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, जिसकी एक लीगल एग्जिस्टेंस है, लीगली अलग से एक एग्जिस्ट करता है। परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो अगर लोग आएंगे जाएंगे बट कंपनी चलती रहेगी, कंपनी का किसी की डेथ इंसॉल्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ेगा, और कॉमन सील, और इसकी एक कॉमन सील होगी। अब हम आगे फीचर्स जानते हैं, इन्हीं को हम डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, लीगल एग्जिस्टेंस क्या होती है, परपीचुअल सक्सेशन क्या होता है और कॉमन सील क्या होती है। फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होगी। अ कंपनी कैन कैरी बिजनेस इन इट्स ओन नेम, ये अपने नाम पे बिजनेस कैरी कर सकती है। इट कैन बाय एंड सेल एसेट्स इन इट्स ओन नेम। देखो पर्सन जो भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपनीज में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बट इनके नेम पे कंपनी नहीं होगी, कंपनी एक अलग नेम होगा जिसका एक अलग से अपना नाम होगा, अपने नाम पे बिजनेस कर सकती है, अपने नाम पे बैंक अकाउंट होगा, करंट अकाउंट होगा, अपने नाम पे एसेट्स को बाय और सेल कर सकती है। इट कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है। द कंपनी एंड इट्स मेंबर आर सेपरेट इंडिविजुअल, जो मेंबर्स है वो अलग है, जो कंपनी है वो अलग है, तो ये क्या है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी चार मेंबर है कंपनीज में, बट कंपनी का नाम है, अगर फॉर एग्जाम्पल कंपनी का नाम है एबीसीडी, तो कंपनी जो है वो अपनी ट्रांजेक्शन एबीसीडी के नाम से करेगी, ए अलग से ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, बी अलग से नहीं कर सकता, कंपनी के नेम पे ही बिजनेस सारा चलेगा, तो इसे हम कहते हैं कंपनी। सेकेंड है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये लॉ से बनी है, created by law, does not have physical body like a natural human being नहीं company एक, but एक अलग से artificial person है। Third है registration, registration क्या है, it is legally compulsory for companies to get itself registered under Companies Act 2013 में, अपने आप को register कराना compulsory है। Fourth है हमारा perpetual succession, जो भी मैंने ऊपर point discuss करा, perpetual succession होता है कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड ओनली लॉ कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस, लॉ के द्वारा बनी हुई है और लॉ ही इसको खत्म कर सकता है। तो अगर आपको कंपनी को बंद करना है तो आपको प्रोसीजर पूरा जो लीगली प्रोसीजर है वो कंप्लीट करना जरूरी है। द डेथ इंसॉल्वेंसी, अगर किसी की डेथ होती है, इंसॉल्वेंट होता है, और इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर, और अगर कोई मेंबर इनकैपेबल होता है काम करने को, डज नॉट अफेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, मेंबर्स आए या जाए बट कंपनी अपनी चलती रहेगी। पॉइंट नंबर फिफ्थ है कॉमन सील। कंपनी की क्या है, बींग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट साइन, आपको पता है ह्यूमन बींग साइन कर सकता है, बट कंपनी क्या है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो साइन नहीं कर सकती, इसीलिए वहां पे क्या है उसकी कॉमन सील है, जिसमें क्या होगा कंपनी का नेम एनग्रेव्ड ऑन इट, उनपे कंपनी का नेम कॉमन सील पे लिखा रहता है। पॉइंट नंबर सिक्स है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या है, जो भी कंपनीज के शेयर हैं ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, कोई अपने शेयर आगे किसी को ट्रांसफर कर सकता है। कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर, शेयर्स में डिवाइड होती है, तो शेयर्स ऑफ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय इट्स मेंबर, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल
होते हैं, जो भी हमारे शेयर्स होते हैं। पॉइंट नंबर 7 है सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल। यहाँ पे ऑनरशिप है और जो कंट्रोल है वो अलग अलग पर्सन का है। कैसे? जो कंपनी होती है वो कौन ओन करता है, कौन होता है, शेयर होल्डर्स का पैसा लगा होता है कंपनी में, और ये शेयर होल्डर क्या करते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं जिन्हें हम कहते हैं डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे क्या है, शेयर होल्डर्स का पैसा लगा कंपनी में, शेयर होल्डर्स ने कुछ रिप्रेजेंटेटिव रखे, इन्हें हम कहेंगे डायरेक्टर्स। और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो मैनेज और कंट्रोल एक्टिविटीज कैसे कंट्रोल करते हैं, कुछ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स रखते हैं अपने अंडर, जो कि वो लोग उनको कंपनी की जो एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल। ऑनरशिप किसी और की है, शेयर होल्डर्स की, और कंट्रोल किनका है, डायरेक्टर्स का। पॉइंट नंबर 8 है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर कोई भी कोई इन एनी केसेस कोई लॉस होता है तो उनको घर से पैसा नहीं देना पड़ेगा, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं लगानी पड़ेगी। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनीज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कंपनी, जो भी उनका शेयर वाला पोर्शन है उतनी ही उनको पैसा देना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा था ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और फीचर्स इसके क्या क्या है। आगे की वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।